अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। प्रधान रहा पुरान प्रधान। पहले क्या क्या झांसा देता था? जब पति आपका छोड़ दिए हैं तो क्या क्या झांसा देते थे? वो कह रहा है कि हम तो कर रहा हुआ कर हमारे साथ रहो, हम तो का खेती पाती दे रखे तो मकान नहीं हमने रहो, हमारे साथ जबराई जबरदस्ती हुआ और जब बलात्कार किया हमारे साथ, कहते रहिए तो रहिए नहीं, हम तो साथ जबरदस्ती कर अब जो तो हमारे साथ बलात्कार वो जबराई करा थे 9 बजे के लगभग आए। तो उस समय आपके दरवाजे खुले थे? दरवाजे हमारे यहीं तक खुले रहा थी। अब आप धंधा पानी में जैसे भीतर रहे, अब हम कहा जाने कि हमारे भीतर कोई घुसे आओ थे। बच्चे कहाँ थे उस समय? बच्चे पढ़े चले गए रहे हैं। पति? पति हमारे छोड़े हैं, वही के बदौलत हमारे पति हमका छोड़े हैं। तो उसके पास औरत नहीं है क्या? औरत है, 5-4 गदेल है, 3 बिटिया, 1 लड़का, लड़का जवान जहान है। अब ऐसे है तो जबराई के साथ बलात्कार किया है बार बार। तो आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? जैसे पति घर वाले हमारे कहते हैं कि जब तोका छोड़ा तो हम तोका न रखो, जो तो है नैहरे रखो, नैहरे रहो, ससुरे रहो, ससुर तो हमें अपन नैहरे नहीं जाए, तो आप ससुराल में हम रही थी, आप लड़के का दिल लेके बानी मजूरी करी खवाए बनाई थी, सब ताना दे थे, यही कहा थे कि ओके कही सब गवाही में, हमारे पक्ष में कोई नहीं गवाही में, ओके साथ पूरा जितना गड़रियाना है और बामन ठाव सब ओके कई लगे हैं। पुरान प्रधान रहा है तो ऐसे नहीं हमारी कोई सुनाई न थाने में ही कर भी तक हम होयान है, अब काज फिर भी यहाँ हो सके कर भी हम फिर जावे। तो आज फिर जा रहे हैं मऊ आ जाए थे आज सीओ साहब के लगे, अब को कहा थे कि वो जो लिखा पढ़ी कर थे दरोगा, वो तो कहते हमारी तुम्हारा एफआईआर ना लेके जाएगी, हमारे बस का नहीं है तुम्हारी फारी। नहीं, वो बार बार थाने पर आ रही थी और ये आरोप लगा रही थी, तो प्रधान का नंबर लेके मैं पूर्व प्रधान से बातचीत करने का प्रयास किया, प्रधान से बात भी हुई और उनको बुलाया भी कि आगे अपना थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए कि क्या बात है। प्रधान नहीं आए और यही कहते रहे कि मैं पूर्व में एप्लीकेशन दिया हूँ, जो बात है उसमें लिख दिया हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, वो लिखने के बाद आप सामने आइए और बात रखिए अपनी जो बात रखना है। प्रधान नहीं हो, महिला परेशान थी, बार बार आ रही थी, तो मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से बातचीत करके उसका मुकदमा रेप का लिखवा लिया है।